नमस्कार, जितने भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी को नमस्कार। इस समय की आपको बड़ी अपडेट बता दें कि जिस तरह से लगातार हम बात करते हैं मूसलाधार बारिश जो है वो हो रही है, और उसके बाद कहीं ना कहीं अगर हम चिनाब रिवर की बात करते हैं, लगातार चिनाब रिवर के भी जलस्तर में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आप इस समय सीधी विजुअल जो है वो आप चिनाब रिवर की देख रहे हैं कि जिस तरह से बारिश की अगर बात करते हैं लगातार हो रही है, और उसके बाद कहीं ना कहीं चिनाब रिवर के जलस्तर में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं ना सिर्फ हम चिनाब रिवर की बात करते हैं कि छोटे छोटे जितने भी नदियां नाले हैं सभी समय उफान पे है। लगातार प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जो है वो जारी होती रहती है। और आपको बता दें कि इस समय की बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट यही है कि जिस तरह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, उसके बाद चंद्रभागा चिनाब रिवर की अगर बात करते हैं इसके जलस्तर में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो हमारे जितने भी दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि जो भी लोअर स्ट्रीम चंद्रभागा चिनाब रिवर सलाल डैम की रहते हैं उनके लिए ये एडवाइजरी जारी है कि वो चिनाब रिवर के किनारे खुद भी ना जाएं, अपने माल मवेशियों को भी ना जाने दें, और साथ ही साथ बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि इसके बाद अगर कोई एडवाइजरी का उल्लंघन करता है तो इसकी जवाबदेही जो है वो प्रशासन की नहीं होगी। फिर से बता दें कि लगातार चिनाब रिवर के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस समय की हम आपको बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट दे रहे हैं कि जिस तरह से चिनाब रिवर में जलस्तर की अगर बात करते हैं लगातार बढ़ रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है, उसके बाद ना सिर्फ चिनाब रिवर बल्कि ये समय आप विजुअल देख रहे हैं, आपको बता दें ये किसी नदी की नहीं बल्कि एक छोटे से नाले की है, और इस नाले में पानी की तीव्रता को देख के ही अंदाजा लगा सकता है कि किस कदर बारिश जो है वो हुई है, और उसके बाद क्या सूरत हाल है वो आपको हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, आपको बता दें रियासी जिले के खैरल नाले की विजुअल दिखा रहे हैं, ये नाला भी आके चिनाब रिवर में आके समाता है, इसकी विजुअल दिखा रहे हैं।